वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, आई एम असीम कुमार मंडल एज अ फिजिक्स टीचर रिप्रेजेंटिंग शांतिपनी हायर सेकेंडरी स्कूल राजदा। स्टूडेंट, टुडे आई एम टेकिंग द अनदर टॉपिक रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 7, मोशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। ओके स्टूडेंट, क्लास 11 फिजिक्स। स्टूडेंट, रोटेशनल इक्वेशंस, दैट मीन्स अ रोटेशनल मोशन इक्वेशन टुडेज टॉपिक। तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मोशन वर्ड से। व्हाट इज द मीन ऑफ दिस वर्ड? दैट मीन्स टू टाइप्स ऑफ मोशन। फर्स्ट वन लीनियर मोशन एंड सेकेंड वन इज द सर्कुलर मोशन। लीनियर मोशन, वेन एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड और पाथ, ठीक है, लेट अस कंसिडर द मास ऑफ बॉडी विल बी इक्वल ऑफ एम एंड कैपिटल ए इज अ इनिशियल पोजिशन एंड आफ्टर डेल्टा टाइम टी पोजिशन विल बी इक्वल ऑफ कैपिटल बी, एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल ऑफ कैपिटल एफ। तो याद रखिएगा, दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ लीनियर मोशन। लीनियर मोशन में हम क्या क्या वर्ड यूज करते हैं? फर्स्ट वन वी। व्हाट इज द मीन ऑफ द वी? वी दैट मीन्स अ फाइनल वेलोसिटी एंड यू दैट मीन्स अ इनिशियल वेलोसिटी। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी? स्टूडेंट, कैपिटल ए इज अ फर्स्ट पोजिशन, हियर वेलोसिटी डिफाइंड बाय यू, एंड एट अ कैपिटल बी वेलोसिटी डिफाइंड बाय द वी। स्टूडेंट, नेक्स्ट वन, व्हाट इज द मीन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट? कैपिटल एस रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जब आप डिस्टेंस बोलेंगे दैट मीन्स अ टोटल टोटल पाथ, एंड डिस्प्लेसमेंट दैट मीन्स अ डायरेक्ट पाथ, डायरेक्ट दैट मीन्स अ डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट। तो समझिए सर, वी दैट मीन्स अ वेलोसिटी, यू इनिशियल वेलोसिटी, एस डिस्प्लेसमेंट, एंड हियर ए दैट मीन्स अ एक्सिलरेशन। क्या होता है स्टूडेंट, जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूवमेंट करना स्टार्ट करता है, मोशन में जाता है, तो इनिशियल वेलोसिटी यू से वो कन्वर्ट होता है वेलोसिटी वी में। पर्टिकुलर कुछ ना कुछ तो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा दैट मीन्स अ कैपिटल एस, और उसके द्वारा कुछ ना कुछ टाइम कैलकुलेट होगा। अगर जो मैं बोलूँ द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, तो डेफिनेशन हो जाएगी वेलोसिटी की। मतलब कहीं ना कहीं वेलोसिटी डिपेंड करता है काय पर? डिस्प्लेसमेंट पे। द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आर नोन एज वेलोसिटी, और वेलोसिटी से डेवलप होता है एक्सेलरेशन। सबसे पहले क्या बनेगा स्टूडेंट? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डिफाइंड वेलोसिटी, वेलोसिटी डिफाइंड एक्सेलरेशन। व्हाट इज द मीन ऑफ द एक्सेलरेशन? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी आर नोन एज एक्सेलरेशन। ओके स्टूडेंट, मैंने ये सारी बात आपको बताई है सिर्फ और सिर्फ लीनियर मोशन में। जब हमारा पाथ कैसा हो, बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल बिल्कुल 1D। नाउ स्टूडेंट, वी टेकिंग दैट सेकेंड टाइप ऑफ द मोशन, दैट मीन्स अ सर्कुलर मोशन। जब आप कहीं पर भी सर्कुलर मोशन करेंगे, फॉर एग्जाम्पल द मास ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल ऑफ स्मॉल m एंड इनिशियल पॉइंट विल बी इक्वल ऑफ कैपिटल A, सेकेंड पॉइंट विल बी इक्वल ऑफ कैपिटल B, एंड हियर मास ऑल्सो इक्वल टू a। मास तो कॉन्स्टेंट होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए स्टूडेंट? u। ओके, फाइनल वेलोसिटी कितनी बोलूँगा मैं? v। बीच में मैंने डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करा s, और एक्सेलरेशन कितना होगा ए। बट इन द केस ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है, वी डिफाइन द रोटेशनल मोशन। याद रहेगा स्टूडेंट, यहाँ पर एक वर्ड ले लीजिए, रोटेशनल मोशन इक्वेशन आज हमको देखना है। तो सर्कुलर मोशन किसको डिफाइन करता है? सर्कुलर मोशन डिफाइन द रोटेशनल मोशन, और रोटेशनल मोशन में हमको एक वर्ड मिलेगा एंगुलर। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? एंगुलर। समझिए, अभी जब हम यहाँ पर बात कर रहे थे, हमने बोला वेलोसिटी, तो यहाँ पर सर्कुलर में क्या बोलेंगे? एंगुलर वेलोसिटी, एंड एंगुलर इनिशियल वेलोसिटी रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा नॉट। क्या बोला स्टूडेंट? ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमने
ओमेगा नोड बोला, फाइनल वेलोसिटी रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा, डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेड बाय थीटा, एंड एंगुलर एक्सेलरेशन रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। सर मैं इसको कंपैरिजन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपने चैप्टर नंबर थर्ड में ये सभी इक्वेशन देख रखी है, पर किस फॉर्म में v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर और वी स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस टू ए एस के फॉर्म में। बट मुझे इस वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 7 में मुझे रोटेशनल मोशन इक्वेशन मतलब ओमेगा, ओमेगा नोट, अल्फा और टी के फॉर्म में इक्वेशंस डिफाइंड करना है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर द रोटेशनल मोशन, सेकेंड इक्वेशन एंड दिस इज अ थर्ड इक्वेशन। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पर बोला है वेलोसिटी, व्हाट इज द मीन ऑफ द वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आर नोन एज वेलोसिटी। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, ठीक है, ओमेगा इक्वल टू डी बाय डी टी, यहाँ पर क्या लिखा है एस, बट एस क्या होता है, थीटा के इक्वल होता है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी विल बी इक्वल ऑफ द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने ए लिखा है और हमने बोला ए रिप्लेस बाय अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी बाय डी टी वी, बट वी को हम क्या बोलते हैं, वी रिप्रेजेंटेड बाय द ओमेगा। क्या बोला है स्टूडेंट, ओ मे गा, याद रखिएगा, रिप्रेजेंटेड बाय समथिंग डब्लू, ठीक है, डब्लू लेंगे तो वर्क डन हो जाएगा, थोड़ा सा मोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा, ओमेगा। तो लीनियर लीनियर मोशन डिफाइंड द वी यू एस एंड ए, एंड रोटेशनल मोशन डिफाइंड द ओमेगा, ओमेगा नोट, थीटा एंड अल्फा। व्हाट इज द मीन ऑफ द थीटा, दैट मीन्स द डिस्प्लेसमेंट अंडर द सर्कुलर मोशन। ओके स्टूडेंट, ठीक है, चलिए तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, अभी तो हमने बेसिक कंप्लीट करा है, ठीक है, टुडेज क्वेश्चन, ड्राइव सेकेंड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, ड्राइव सेकेंड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन बाय यूज ऑफ कैलकुलस मेथड। कौन सी मेथड का यूज करता है, कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड मतलब क्या होता है स्टूडेंट, याद कीजिए चैप्टर नंबर थर्ड, कैलकुलस मेथड दैट मीन्स अ इंटीग्रेशन मेथड। चलिए तो हम इस क्वेश्चन को दो बार करेंगे, ठीक है, एक बार करेंगे इन द फॉर्म ऑफ यू वी ए एंड एस, दैट मीन्स अ लीनियर मोशन। सो स्टूडेंट नाउ वी डिफाइंड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट मीन्स अ एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर बाय यूज ऑफ कैलकुलस मेथड। स्टूडेंट वी विल स्टार्ट विद द सिंपल डेफिनेशन, वेलोसिटी, व्हाट इज द मीन ऑफ द वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आर नोन एज वेलोसिटी, सो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई वी गेटिंग डी एस बाय डी टी, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई वी गेटिंग डी एस इक्वल टू वी डी टी। ओके स्टूडेंट, ये क्या है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, बट वी नो दैट बाय द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी विल बी इक्वल ऑफ यू प्लस ए टी, दैट मीन्स वी रिप्लेस बाय यू प्लस ए टी आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट डी टी। नाउ वी टेकिंग द इंटीग्रेशन इन बोथ साइड, व्हाई वी टेकिंग द इंटीग्रेशन स्टूडेंट, क्योंकि हमको मेथड का नाम क्या है, ये सोल्व बाय कैलकुलस मेथड, कैलकुलस मेथड दैट मीन्स अ इंटीग्रेशन मेथड। इंटीग्रेशन डिफाइन द लिमिट, इंटीग्रेशन डी एस दैट मीन्स लिमिट इन द फॉर्म ऑफ एस। स्टूडेंट इनिशियल जब हम किसी चीज पे चलना स्टार्ट ही कर रहे हैं, टाइम विल बी इक्वल ऑफ जीरो, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा, जीरो, एंड फाइनली डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल ऑफ एस। हियर इनिशियली टाइम विल बी इक्वल ऑफ जीरो जीरो एंड फाइनली विल बी इक्वल ऑफ टी, सो इंटीग्रेशन जीरो टू एस डी एस विल बी इक्वल, सेपरेट करा इंटीग्रेशन को, वी गेटिंग यू एंड डी टी प्लस ए टी
dt एंड लिमिट विल बी इक्वल ऑफ 0 to t एंड 0 to t। ओके स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन 0 to s डी एस विल बी इक्वल यू आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रेशन, सो फाइनली 0 to t डी टी प्लस ए आउटसाइड ऑफ इंटीग्रेशन 0 to t एंड टी टू दी पावर 1। यहाँ पर टी की पावर कुछ भी नहीं, मतलब 1 है। स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेशन डी एक्स विल बी इक्वल ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन डी वाई विल बी इक्वल ऑफ वाई, इंटीग्रेशन डी एस विल बी इक्वल ऑफ एस एंड लिमिट विल बी इक्वल ऑफ 0 to s। यू आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट इंटीग्रेशन डी टी विल बी इक्वल ऑफ टी, लिमिट 0 to t एंड हियर वी टेक द अनदर फॉर्मूला एक्स टू द पावर एन डी एक्स विल बी इक्वल ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस 1 होल एन प्लस 1। ओके स्टूडेंट, सो टी टू द पावर 1, व्हाट इज द मीन ऑफ द टी टू द पावर 1? देखिए पावर प्लस 1 मतलब टी बाय 1 प्लस 1 दैट मीन्स अ स्क्वायर एंड लिमिट विल बी इक्वल ऑफ 0 टू टी। सो फाइनली ठीक है, हाउ टू सॉल्व द लिमिट स्टूडेंट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो एस माइनस 0 विल बी इक्वल ऑफ यू टी माइनस 0 प्लस ए बाय 2 एंड टी स्क्वायर माइनस 0। सो फाइनल रिजल्ट कैपिटल एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। स्टूडेंट वी हैव टू सॉल्व थीटा इक्वल टू, मुझे करना क्या था सर ये, बट मैंने क्या कर दिया ये, तो मैंने गलती से नहीं करा, मैंने आपको समझाने के लिए करा। अब इसी क्वेश्चन को आप जल्दी से रोटेशनल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए स्टूडेंट, वी हियर वी रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा एंड डी बाय डी टी डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। सो सिंपली ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी बाय क्रॉस मल्टीप्लाई वी गेटिंग डी थीटा इक्वल टू ओमेगा डी टी। ओके स्टूडेंट, जैसा यहाँ पर है वैसे ही देखिए, फिर हमने क्या करा, बाय यूज ऑफ द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, सो डी थीटा इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी और आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट विल बी इक्वल ऑफ डी टी। सो फाइनली वी टेकिंग द इंटीग्रेशन इन बोथ साइड, वाई, बिकॉज दिस मेथड डिफाइंड बाय द कैलकुलस मेथड, लिमिट 0 to θ एंड हियर लिमिट 0 to t, इंटीग्रेशन डी थीटा लिमिट 0 to θ एंड हियर देखिए 0 to t एंड ओमेगा 0 डी टी प्लस 0 to t अल्फा टी डी टी। ओके स्टूडेंट, हियर इंटीग्रेशन 0 to θ डी थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट आउटसाइड ऑफ ब्रैकेट 0 to t डी टी प्लस अल्फा आउटसाइड ऑफ इंटीग्रेशन 0 to t टी डी टी। स्टूडेंट इंटीग्रेशन डी एक्स विल बी इक्वल ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन डी वाई विल बी इक्वल ऑफ वाई, सो इंटीग्रेशन डी थीटा विल बी इक्वल ऑफ थीटा, सो फाइनली वी गेटिंग 0 to θ ओमेगा नॉट आउटसाइड इंटीग्रेशन डी टी दैट मीन्स अ टी लिमिट 0 to t अल्फा आउटसाइड टी टू दी पावर 1, कैसे सोल्व करना है, पावर प्लस 1 दैट मीन्स अ टी स्क्वेयर बाय डी इंटीग्रेशन 0 to t। स्टूडेंट हाउ टू सोल्व द लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो थीटा माइनस 0 इक्वल टू ओमेगा नोट टी माइनस 0 प्लस अल्फा बाय 2 टी स्क्वेयर माइनस 0। सो फाइनल स्टेप थीटा इक्वल टू ओमेगा नोट टी प्लस 1/2 अल्फा टी टू स्क्वेयर। सो स्टूडेंट टूडेज लेक्चर बेस्ड ऑन द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इन द प्रीवियस वीडियो वी सीन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन इन द फॉर्म ऑफ अल्फा, अल्फा नोट, ओमेगा, ओमेगा नोट, टी एंड थीटा। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस यूट्यूब चैनल ऑफ शांतिपनी हायर सेकेंडरी स्कूल राजदा। स्टूडेंट प्लीज लाइक माई वीडियो, share between the friends, subscribe our channel and please 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 study all subject from our channel. Thank you so much.